और उल्लंघित मर्यादाओं को इस कदर एक नई परिभाषा देना जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट पॉलिटिकल अटेंशन, आम आदमी पार्टी हैज गिवन मेनी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दैट हैज हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ गुजरात एंड गुजरातीज, फ्रॉम प्रोपगेटिंग मिथ्स अबाउट द हिंदू वे ऑफ लाइफ, फ्रॉम स्लरिंग हिंदू विमेन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। Now with the blessings of Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party leadership in Gujarat maliciously in an abusive form attacks the Pradhan Sevak's 100-year-old mother. That Arvind Kejriwal could fall to new lows is not surprising. What Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party does not realize is the esteem with which Gujarat and Gujaratis hold women and especially mothers in our society. Today, this message is for Arvind Kejriwal. In the forthcoming elections of Gujarat, Gujarat and Gujaratis will ensure political defeat of the Aam Aadmi Party. That you do not spare a 100-year-old lady, her only crime is not that she is in politics, but that she gave birth to Narendra Modi. Your leaders and workers seek to punish her and abuse her. Mr. Kejriwal, the people of Gujarat have now decided to stand in your judgment. If you think abusing the Prime Minister's mother
will help you gain political popularity in Gujarat, you are mistaken. And for that mistake, it is Gujarat and Gujaratis that will make you pay a political price in the forthcoming elections. Thank you. Madam, there is no community in Gujarat or our entire nation state that will allow abuse of an elderly lady. Why an elderly lady? Abuse.